अंतर्मुख होकर के रहना है। ऑफिस में भी अपना काम करना है, परंतु उसमें भी जास्ती बोलना नहीं होता है। और सदैव प्रैक्टिस करो कि बिल्कुल मीठा होकर के रहना है, कोई कोई भी दुख नहीं देना है। लड़ाई आदि करना, वैमनस्य में रहना, ईर्ष्या करना, ये भी तो क्रोध है ना। हालांकि सबसे बड़ा दुश्मन है काम विकार, दूसरे नंबर में क्रोध आता है, एक दो को दुख पहुंचाते हैं। क्रोध से देखो कितनी लड़ाई आदि हो जाती है। अब बच्चे जानते हैं कि सतयुग में तो क्रोध होता ही नहीं है, वहां क्रोध क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां सत्य की दुनिया है, सत्य बाप की स्थापन की हुई दुनिया है, सत्य बाप निराकारी निर्विकारी है। तुम बच्चों को भी निराकारी निर्विकारी बनाते हैं। सतयुग में जो भी आत्माएं होंगी अपन को निराकार आत्मा समझने वाले होंगे। देवान होगा ही नहीं तो क्रोध भी होगा नहीं। ये क्रोध रावण पने की निशानी है। क्रोध वालों को ही कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। भूत की जैसे प्रवेशता हो जाती है, भूत खुद भी तपता है और फिर औरों को भी तपाता है, इससे कितनी अशांति हो जाती है। तो साइलेंस में रहना है, कुछ भी बोलना नहीं है। अब उन दुनिया के मनुष्यों को तो इस बात का ज्ञान ही नहीं है, वो तो क्रोध ही करेंगे। क्रोध वाले के साथ क्रोध करने से लड़ाई लग जाएगी। तो बाप समझाते हैं ये बहुत बड़ा भूत, इस भूत को युक्ति से भगाना है। मुख से कोई भी कड़वा शब्द नहीं निकालना, ये बहुत ही नुकसानकारी है। और ये भी जानते हो कि विनाश भी क्रोध से होता है क्या? और विकारों से विनाश नहीं होता है। घर घर में जहां जहां क्रोध होता है वहां बहुत अशांति रहती है। क्रोध किया तो जरूर तुम बाप का नाम बदनाम कर देंगे। भूतों को भगाना है, एक बार भगाया तो फिर आधा कल्प के लिए भूत ये नापैद हो जाएंगे। ये पांच विकार अभी फुल फोर्स में है।